जिसके दर पर फरियाद लेकर जाने वाला खाली हाथ लौट कर नहीं आता। ऐसे समाज सेवी रितेश गोयल को पिछले दिनों देश के जाने माने न्यूज चैनल इंडिया न्यूज ने भी सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान भोपाल की सहज होटल में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की उपस्थिति में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और इंडिया न्यूज के चैनल हेड मनोज मनु द्वारा दिया गया। इस अवसर पर समाज सेवी रितेश गोयल ने उन्हें बालाजी धाम प्रोजेक्ट से भी अवगत कराया। मैं बहुत खुशी के साथ और बहुत ही गौरव के साथ ये अनाउंसमेंट कर रही हूँ। खंडवा मध्य प्रदेश से समाज सेवी हैं रितेश गोयल जी, मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो भी मंच पर आए। देखिए, जिन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना कर सैकड़ों मरीजों की जान बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लिहाजा एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एनर्जी बहुत डाउन हो गई है लोगों की यहाँ पर। तो देखिए, जब तालियों की आवाज, और मुझे लगता है कि तालियों की जब गूंज आती है तो उत्साहवर्धन होता है और ज्यादा बात करने का मन भी करता है। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में भी इन्होंने बेहद ही अभूतपूर्व कार्य किए हैं, और लिहाजा बहुत ज्यादा खुशी का ये पल हो जाता है कि हम उन तमाम समाज सेवकों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला, इस मंच के लिए निकाला। और गौरतलब है कि समाज सेवी रितेश गोयल द्वारा इंदौर रोड स्थित कॉलोनी में लगभग 5 करोड़ रुपयों की लागत से खंडवा जिले में विश्व की सबसे बड़ी भगवान बालाजी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसका कार्य प्रगति पर है। इंडिया न्यूज द्वारा समाज सेवी रितेश गोयल को यह सम्मान उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए दिया गया। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की अत्यधिक जरूरत थी, ऐसे विकट समय में समाज सेवी रितेश गोयल द्वारा ऑक्सीजन बैंक की स्थापना कर जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए, पीपीई किट का निःशुल्क वितरण किया, प्रवासियों और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की। यही वजह है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें सोनू सूद की उपाधि दे रखी है, जो गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहने वाले समाज सेवी रितेश गोयल खंडवा के जाने माने कॉलोनाइजर है। चिकित्सा क्षेत्र में भी दखल रखते हुए बालाजी लैब का संचालन करते हैं, जहां मामूली दरों पर उच्च जांच की जाती है। इंडिया न्यूज के मंच पर सम्मानित होने वाले बालाजी ग्रुप के संस्थापक रितेश गोयल निस्वार्थ समाज सेवा की बदौलत अब तक कई मंचों पर सम्मान पा चुके हैं। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में भी रितेश गोयल ने महत्वपूर्ण योगदान देते हुए वर्षों पुराने 1 दर्जन से अधिक पेड़ों का स्थानांतरित कर उन्हें कटने से बचाया, जिसकी फाइल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगाई है, ताकि हाईवे निर्माण के दौरान बाधक बन रहे पेड़ों को काटने की बजाय उन्हें शिफ्ट किया जा सके।